स्टार्टिंग में ये इच्छाएं, ये उम्मीदें, ये जोश, अब जो उमंग जगती होंगी। यस मेरा टाइम आएगा। यस तो कोई और नहीं लाएगा, हम खुद घसीट कर लाएंगे। यस आपके अंदर में वो जोश, उमंग, जो भी है वो जगता है। यस ये कि जब आपके समय में ये होगा तो फिर आप किस तरीके से उस समय का दिन को एंजॉय करोगे। यस मैम। मुझे भी, मैं यहाँ पर आती थी, सेंटर आती थी, आने के बाद मैं बैठती थी, लोगों को देखती थी, सर मैम हमारे बहुत सारे अप्लाइंस को देखती थी, जब भी आते थे महंगा महंगा कपड़ा पहन कर आते थे, स्वैग उनका अलग होता था, स्टाइल अलग होता था, बात करने का तरीका अलग होता था, लोग yes, इस तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता था ना, लगता था काश एक दिन टाइम होता, काश वो दिन का पाएगा और देखिए आ जाएंगे। Yes, उसी प्रकाश से एक दिन आपका भी आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बात है, आप लोग खुद समझदार हो यार। Yes, तो हमसे भी आगे कामयाब होने वाले हो आप। Yes, yes, है कि नहीं? Yes, चलिए ज्यादा नहीं, सपोर्ट की जरूरत है जो तो आप कर ही रहे हो, लास्ट मोमेंट तक ये सपोर्ट कीजिएगा तो दोनों की एनर्जी बरकरार रहेगी, तो समझ देखिए छत भी पड़ सकता है। Yes, हारने के लिए तैयार है? Yes, ये दोस्तों मेरा नाम जानते हैं? No, नहीं जानते हैं? No, no, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देती हूँ। Yes, मेरा नाम है प्रियंका खेस, मैं ज्यादा दूर की नहीं, रांची जिले की रहने वाली हूँ, ठीक है? धनबादी होगा मैम, धनबादी बंगाली। और कोई छूट रहे हैं? हमारे रगों में रेड नहीं बल्कि ग्लेज का खून बहता है कि नहीं? यस मैम। हेलो, आप सभी जिंदा हैं? यस मैम। परेशानियाँ, लड़ झगड़ कर आए होंगे, पता नहीं किससे किससे, माँ बाप की परेशानी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की परेशानी, जो भी है दिक्कत परेशानी, दर्द ये दर्द वो दर्द, कृपया करके थोड़ा मेरे के उसको साइड कर दीजिए। yes, ma'am. उसे भूल जाइए, अभी बस यहाँ ध्यान लगाइए। yes, तो मुझे देखिए, ठीक? yes, ma'am. कहते हैं ना, जो आज आप करोगे वही कल आपको मिलेगा, यानी कि आज आप मुझे देखो, कल आपको कोई देखेगा। yes, ma'am. कल आपकी कोई सुनेगा, yes, ठीक है? जिस तरीके से दोस्तों यहाँ आने से पहले बाहर की दुनिया में आप स्टडी करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, काम धंधा करते थे, बाहर में जो भी करते थे, सेम चीज दोस्तों यहाँ आने से पहले मैं भी पढ़ाई लिखाई करती थी। मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, सॉरी इंटर, ठीक है? इंटर जिसपे कि मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन ग्रेजुएशन मेरा ज्वाइनिंग था, पर मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाई कि वो भी बताऊंगी क्यों नहीं की, क्योंकि ऊपर से तो दबाव था लेकिन मैं नहीं की, और क्यों नहीं की वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आने से पहले अगर मैं यहाँ पर आकर बनी 6 मंथ में 5 मंथ में, तो क्या लगता है कि मैं कोई ऊपर से भेजी गई परी हूँ? भगवान का दिया हुआ कुछ अनमोल उपहार है मेरे पास? मेरे पास 4 हाथ का है, जो चीज आपके पास है वही चीज मेरे पास है। सेम दैट दोस्तों, जो चीज अलग है वो है क्या? टाइम। आप अभी आए, मैं कुछ दिन पहले आई थी, नहीं फर्क इतना ही है कि समय का। अगर उस समय आकर हमने हर चीज ट्रेनिंग्स लिया, हर चीज देखा, हर चीज समझा, सोचा,
हर चीज किया सिस्टम के साथ चले और आज ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर मैं अपने आप को बनाकर खड़ा कर दिया। सेम दैट दोस्तों ये ऑप्शन आपके पास भी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास था। हेलो ऑप्शन आपके पास भी, आप भी कर सकते हो। यस मैम, बस ये समय को आपको सिस्टम के साथ काम करना है, फॉलो करना है, ट्रेनिंग लेना। लो तभी आपकी बातों को सुनेगा जब आप कामयाब हो जाओगे। तो रास्ता चलते हुए कुत्तों को कौन पूछता है? कोई नहीं मैम, पूछता है। लो इसलिए अपने आप को इस काबिल इस काबिल इस काबिल बनाइए ना, रास्ता चलते हुए लोग आपको जान के हाँ बोले कि हाँ वो है। और ये शौक रखे ना कि बनना है उसकी तरह। आवाज इतनी बड़ी है लेकिन जब जाती है ना तो सारे सारे चारों ओर क्या होता है, हल्का मच जाता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अमीर बन के रिस्क लेके बिंदास रहो
या तो गरीब रहो दर दर भटको, लोग तुमको पूछेगा भी नहीं, कभी बेहतर जिंदगी आपका जाएगा। एक एक चीज के लिए तरसोगे, अगर थोड़ा सा शौक अगर अच्छे दोस्तों के साथ हो गया, संगति हो गई दोस्तों के साथ, तो समझ लीजिए कि आप हमेशा पिसोगे। आप खुद में देख लो, गौर कर लीजिए। इस तरीके से मेरा ये बीतता था ना, क्योंकि जब आपके अगल बगल के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे खाएंगे, अच्छे अच्छे हर चीज करेंगे, जाहिर सी बात है अगल बगल के बच्चे सा आएंगे, देखते थे उनको तो लगता था ऐसे ही। हेलो, जब ऐसा लगता था ना तो फिर मन करता था कहां से लाया, क्यों नहीं मेरी मम्मी देती, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो बच्चे थे ना। हमें क्या मालूम कि माँ बाप किस तरीके से गुजारा बसारा कर रहे हैं घर द्वार में, है कि नहीं।